इस बार के खेल पुरस्कारों में भारतीय ओलंपिक एथलीट्स का दबदबा साफ देखने को मिला। रियो ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले एथलीट दीपा, साक्षी, सिंधु और जीतू को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा। यूं तो दंगे कईयों को अनाथ कर जाते हैं, सैकड़ों को बेघर कर जाते हैं और हजारों को रोते रहने के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कद मुजफ्फरनगर दंगों के बाद लगातार बड़ा हो रहा है। दंगों का दर्द बयां करती एक रिपोर्ट, पढ़िए हिंदी क्विंट पर। आजाद करो, आजाद करो। बलूचिस्तान के बाद अब सिंध में भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग की जा रही है। सिंध में आज लोगों ने प्रदर्शन करके एक अलग सिंधु देश बनाने की आवाज बुलंद की। अरविंद केजरीवाल के शुभचिंतक, समर्थक और सुपर फैन रहे विशाल ददलानी ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। ट्विटर पर की गई उनकी एक टिप्पणी की अरविंद केजरीवाल के साथ कई लोगों ने आलोचना की, इसीलिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया। पर क्या किरण बेदी, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के बाद विशाल ददलानी भी केजरीवाल के यूज एंड थ्रो पॉलिसी का शिकार बने हैं? बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में आखिरकार 51 दिन के बाद कर्फ्यू हटाया गया, लेकिन अलगाववादियों ने 1 सितंबर तक घाटी में ये बंद जारी रखने का फैसला किया है।